Okay, so basically, uh, we'll be discussing as to how we have to move move forward uh, in coming two and three months. IEI ka 2 months, hai, and for IFOA, you all have three months uh, for your April 2022 examinations. IEI ka exam, I've written the date, so I've actually made a few notes over here uh, for you all to, you know. Uh, this is what I believe you can make your timetable as. फॉर कमिंग वीक्स ताकि आप लोग अच्छे से प्लान आउट कर सको अपना स्टडीज एंड जॉटेड डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम ओके सो फर्स्टली सी एस टू ए फॉर आई ए आई इज ऑन सिक्सटींथ मार्च एंड सी एस टू बी इज ऑन ट्वेंटी फोर्थ मार्च ठीक है सो बेसिकली दोज हुई गिविंग फॉर फ्रॉम आई ए आई यू ऑल हैव एग्जैक्टली एट वीक्स इंक्लूडिंग दिस वीक You all have eight weeks and then maybe two days because I didn't consider that. Paper A is on Wednesday, so you all have eight weeks for your exam and then one more week for Paper B. For those who are appearing from IFOA, IFOA, your exam is on 19th April, Paper A, and 20th April, Paper B. So you guys have 13 weeks before your exam, including this week. Right? So uh, basically, I have structured your timetable according to both IEI and IFOA. IEI, you all have eight weeks, and IFOA, you all have 13 weeks. Right? so before moving ahead paper a uh, i divide the syllabus into four parts if we see. ct4 again ct4 is divided into two parts stochastic and survival then ct6 parts and then the new chapters so there are four chapters along with paper a there is paper b also and this time since the exam is happening online so you'll also have to practice the ms word so basically what you all have to do is compiler questions which is uh, division notes ke questions um, then you all have uh, to complete the syllabus obviously first along with completing the sums and then paper b ke classes aap logo ko hai, and along with that you have to solve paper b ke assignments solve karne hai, and एम एस वर्ड आप लोगों को प्रैक्टिस करना है क्लियर सो हाउ आई हैव मेड इट हाउ आई हैव मेड द स्ट्रक्चर आई विल लेट यू ऑल नो फॉर हु वांट टू राइट यू ऑल कैन राइट इट डाउन एंड आई वांट प्लीज वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू स्विच ऑन योर कैमराज सो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू इंटरैक्ट ओके सो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट ओके आई विल जस्ट वेट फॉर 1 मिनट सब अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज जस्ट स्विच ऑन योर कैमरास ओके ग्रेट great thank you um, others also please diksha mehak pulkit if possible please all right thank you to so, uh, basically uh, one second yeah so jan ye main pehle i i ka bolungi theek hai so those who are joining from i i all can write it down sabse pehle to i i ke liye sabse important hota hai i का ka past papers solve karna and generally we say 10 terms टेन टर्म्स का पास्ट पेपर सॉल्व करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अगर हम देखें पास्ट पेपर्स तो 2019 के दो पेपर्स हैं, 2020 का एक पेपर का पेपर्स। सो यू ऑल हैव पास्ट फॉर सी एस टू पेपर ए एंड पेपर बी एंड देन यू ऑल हैव सीटी फोर एंड सी टी सिक्स उसके आपको पास पेपर्स करने हैं और पहले फाइव टर्म्स के तो बेसिकली 2018 के दो पेपर्स 2017 के दो पेपर्स एंड 2016 का एक पेपर सो so, ऐसे आपको पूरा स्ट्रक्चर रखना है सो दैट यू आर एबल टू यू नो कंप्लीट टेन टर्म्स पास पेपर बिकॉज आई के लिए पास पेपर सॉल्विंग इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट ऑल्सो इंक्लूडिंग मटीरियल के जो बीच के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के एंड चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन होते हैं वेरी इम्पोर्टेंट सो मैंने कैसे इसको स्ट्रक्चर किया है यूल है ए एंड सेवन वीक्स फॉर पेपर बी तो अगर हम देखें जनवरी एंड तक मतलब कमिंग टू वीक्स में यूल है तो मैंने वो टू वीक्स आप लोग को सिलेबस खत्म करने के लिए दिया है बच्चे कंपाइलर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आप लोगों को सारे वीडियोस एंड क्लासेस लाइव क्लासेस खत्म करने हैं एंड आप लोगों को पेपर बी के सारे क्लासेस अलोंग विद ऑल द असाइनमेंट्स फिनिश करने है सो ये थ्री थिंग्स आपको फिनिश करने हैं टिल जनवरी एंड ठीक है दिस इज फॉर दोज हुआरिंग फ्रॉम आई सो आपके टू वीक्स चले गए सिलेबस खत्म करने में देन हैव वीक्स लेफ्ट राइट वीक आपको बहुत uh, अच्छे से यूटिलाइज करना है बिकॉज आपको टेन पास पेपर्स अलॉन्ग विथ पेपर ए पेपर बी दोनों खत्म करना है एंड एवरी डे यूल है मैंडेटरी ले लो एंड ट्राई टू सोल्व दैट समर एम एस वर्ड ठीक है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज बोथ फॉर आई आई एंड आई फन वन आवर ऑफ एम एस वर्ड एवरी डे तो वन वीक मैं आप लोग को दे रही हूँ फॉर टेन पास पेपर्स Then one week, uh then another uh, one week I'm giving for six mock exams. So basically six mock exams paper A ka lenge and six mock exams we'll take for paper B. So wo aapko one week. Hai. Once you complete the syllabus, then you have to take out one week for mock exams, paper A, paper B, which you'll solve, send it to us, we'll correct and we'll

पेपर बी पेपर बी के जितने भी असाइनमेंट हैं ऑल दैट एंड फॉर द न्यू चैप्टर्स क्योंकि पास क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं हैं सो यू हैव टू रीड द मटेरियल ठीक है सो दैट अगेन थ्री वीक्स हैव गिवन यू द टाइम सो बेसिकली कितने वीक्स हो गए यहाँ पे टू वीक्स फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस वन वीक पास पेपर्स वन वीक फॉर योर मॉक एग्जाम्स एंड थ्री वीक्स फॉर दिस तो आपके एक सेवन वीक्स हो गए वीक बचा उस वीक वीक में इट्स बेसिकली जस्ट एंड जो बचा फॉर योर पेपर ए उसमें ट्राई टू डू ओनली पेपर ए सो पेपर ए का एग्जाम इज ऑन सिक्स मार्च सिक्स मार्च के वन वीक पहले जस्ट फोकस ऑन पेपर ए उस वन वीक में यू हैव टू डू द कंपाइलर ठीक है नॉट डूइंग इट क्या होता है कि आप अभी जब कर रहे हो आप लोग पूरे पूरे सम्स को कर रहे हो सेकेंड टाइम जब आप करोगे आप पूरा सम्स नहीं बनाओगे इंपॉर्टेंट सम्स कुछ कुछ जो रहेंगे या फिर जो आपको जहाँ पे आपको डाउट आ रहे हैं वो पेपर्स आप लेके उनका सम्स बनाओगे ठीक है तो वो आपको करना है एंड थर्ड जो लास्ट वीक होता है उसमें यू डोंट डू एनी सम यू जस्ट गो थ्रू द सम्स वो होता है आपका थर्ड वो एक्चुअली आपका सेकेंड रिविजन हुआ बट आप लोग उसको थर्ड टाइम करो ऐसे मानो आप उसको थर्ड टाइम करो तो आप खाली गो थ्रू करोगे सम्स को आपको बनाने नहीं है बिकॉज अदरवाइज ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे एंड उसमें जो आपके सम्स मार्क किए हुए रहते हैं वो बेसिकली आप देखते हो आप सारे सम्स को देखते भी नहीं हो क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं रहता सो इन दैट वन वीक जस्ट पेपर एक के जितने भी पास सम्स जो आपने मार्क किए हैं पास पेपर्स के जो आपने मार्क किए हैं खाली मार्क मार्क्स आपको देखने नोट्स माई नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू हैव टू एटलीस्ट गो थ्रू द नोट्स मिनिमम फोर टू फाइव टाइम्स अलग से मिनिमम थ्रू आउट दिस रिविजन कभी भी एक वन वीक वन आर निकाल लिया एंड यू हैव जस्ट रेड द Notes. Very important that you go through the notes four to five times. Okay? So, marked questions, notes, and material obviously for the new chapters. So, one week don't do anything for paper B. Just one week. Please, paper B continue because if you give a long break to paper B, this is for the students. If you give a long break to paper B, and once you lose that touch, you will be able to pick up that paper B. Paste. Okay? So, this is one thing. And then after this, you have वन वीक्स मोर टाइम फॉर पेपर बी तो उसमें जो आपके पास वन वीक का टाइम है उसमें अब आप क्या कर सकते हो पास पेपर कर सकते हो अगर आपका वहां पे पास पेपर नहीं हुआ था फिनिश पेपर बी का तो पास पेपर्स कर लेना पेपर बी के एंड ऑल द कंपाइलर के क्वेश्चन जो है जो आपके क्वेश्चन uh, है उनको आप गो थ्रू करना इन दैट वन वीक फॉर पेपर बी सो दिस मेक्स योर इंटायर एट वीक्स फॉर आई एग्जाम ठीक है सो दिस इज एंड डायर थिंग नाउ द क्वेश्चन इज ओके सो ये मैंने आई ए आई का बताया लेट्स कम टू आई एफ ऑल राइट सो आई एव डिडेड अगेन आई जस्ट यू नो क्विकली समराइज आपको टू वीक्स है टू कम्प्लीट दिलेबस ठीक है देन यू लेफ्ट विद सिक्स वीक्स तो उस सिक्स वीक्स में आपको क्या करना है थ्री वीक्स आई हैिवन यू ऑल टू कम्पलीट द कंपाइल ऑफ क्वेश्चन अगेन सेकेंड प्रिविजन जिसको अपने बोलते हैं एंड पेपर बी के क्वेश्चन आपको करने हैं वापस दोबारा से सारे नहीं जो आपको लग रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे इम्पोर्टेंट है वो सारे एंड मटीरियल ठीक है थ्री वीक्स वन वीक पास्ट टेन टर्म्स पेपर जस्ट पेपर ए का पेपर बी का यू ऑल कैन अवॉइड मॉक मॉक पेपर्स पेपर्स के लिए वन वीक अब पेपर्स आपको दोनों पेपर एंड पेपर बी का करना पड़ेगा क्योंकि पेपर बी के मॉक एग्जाम्स तभी चेक होंगे अगर आप बाद में दोगे तो बाद में चेक नहीं होंगे पेपर बी के एग्जाम्स मॉक एग्जाम्स एंड देन वन वीक अगेन विच इज लेफ्ट फॉर एंटायरली पेपर ए का रिविजन अब उस रिविजन में जनरली हम क्या करते हैं नोट्स रीड करते हैं कंटिन्यूसली रीड करो नोट्स मार्क किए क्वेश्चन गो थ्रू करो थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन गो थ्रू करो तो ये सारे चीज करते हैं लास्ट वन वन वीक वीक एंड देन इज लेफ्ट फॉर पेपर बी अगेन उसमें आपको क्या करना है पास्ट पेपर्स पास्ट फाइव टर्म्स के मिलेंगे सी एस टू बी के आपको तो पास्ट फाइव टर्म्स के पास्ट पेपर्स एंड कंपाइलो क्वेश्चन नाउ कमिंग टू आई एफ वे सो आई एफ वे में यू ऑल हैव वीक्स थ्री मंथ्स है काफी टाइम है आई एफ ओ का एग्जाम का पेपर बी का मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया देखो थ्री वीक्स द सिलेबस आपके जितने भी कुछ बचे हुए हैं सिलेबस में पेपर uh, ए का एंड मैं जब सिलेबस बोलती हूँ आई वॉन्ट कॉन्सेप्टअल सारे क्लासेस ठीक है सम्स के मेरे सारे क्लासेस जो लाइव हो रहे हैं अगर आप लाइव मिस कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग जो हो रहे हैं वो सारे क्लासेस उसके बाद कंपाइलो का सम्स आपको बनाना है पेपर बी के क्लासेस अलोंग सॉल्विंग द सम्स वंस तो ये सारा चारों चीज आ जाता है आपके थ्री वीक्स टाइम में आप गिवन यू थ्री वीक्स टू कम्प्लीट सिलेबस विच मे बी इज योर फर्स्ट फेब का फर्स्ट वीक राइट कितने वीक्स बचे टेन वीक्स बचे फॉर योर एग्जाम्स ठीक है टेन वीक्स बचे फॉर योर एग्जाम तो उस टेन वीक्स में आपको क्या करना है हाउ हेव डिब्यूटेड यू ऑल कैन राइट इट डाउन थ्री वीक्स फर्स्ट थ्री वीक्स आईव गिवेन यू ऑल फॉर फर्स्ट रिविजन इसको हम फर्स्ट रिविजन क्यों बोलते हैं बिकॉज अभी जब आप सम्स करो इट्स नॉट अ रिविजन राइट

या फिर generally six days में हो जाएगा सिक्स डेज आप ले सकते हो फॉर फर्स्ट ठीक है मैं आधा ही बता रही हूं थोड़ा six days से कमी लगना चाहिए बट चलो तो मैंने stochastic को दिया अब इस स्टोकास्टिक में पेपर ए भी आया पेपर बी भी आया दोनों आया नेक्स्ट आपको मिलेंगे five days, फॉर सर्वाइवल विच इज चैप्टर सिक्स टू चैप्टर इलेवन अगेन पेपर ए पेपर बी बोथ देन यू हैव मे बी नेक्स्ट फोर डेज फॉर सीटी क्या है लॉस डिट्रीब्यूशन री इंश्योरेंस रिस्क मॉडल एंड टाइम सीरीज तो फोर डेज इज मैक्सिम लाइक उससे ज्यादा नहीं लगता पेपर ए पेपर बी में क्लियर एंड देन जितने भी थ्री डेज फोर डेज बचे थ्री डेज थ्री डेज फॉर द न्यू चैप्टर्स मैक्सिमम पेपर डे पेपर भी इंक्लूडिंग सो ऐसे आपका पूरा थ्री वीक्स बन जाएगा अब आप जैसे भी उसको डिवाइड करो बट ये मैंने किया है एंड अब आप रिवाइज जब करोगे विच चैप्टर यू शुड स्टार्ट विध आई बिलीव यू कैन स्टार्ट विथ द इजी और चैप्टर्स जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो सी टी सिक्स का रिविजन से फिर आप सी टी फोर का रिविजन का सर्वाइवल करोगे फिर स्टोकास्टिक करोगे और फिर आप नए चैप्टर्स करोगे सो यू कैन डू दैट ठीक है नए चैप्टर स्टार्टिंग में क्यों बोल रही हूँ क्योंकि वही बार नए चैप्टर्स क्या होते हैं आप लॉन्गर टाइम बिकॉज इट्स राइट तो पहले सी टी सिक्स से स्टार्ट करो सी टी सिक्स का चैप्टर्स रिवाइज करो ठीक है उसके बाद सी टी फोर का सर्वाइवल रिवाइज करो फिर सी टी फोर का स्टोकास्टिक रिवाइज करो एंड फिर आप जाओ आपके नए चैप्टर्स में नाउ दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर वेरी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हु डू नॉट फील सो मच कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम जिनको नर्वसनेस बहुत ज्यादा होता है स्टार्ट विथ सी टी फोर्स टू कास्टिक वाई बिकॉज डिफिकल्ट वाले से स्टार्ट करोगे तो क्या रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप सम्स बना पाओगे तो बट मेरे लिए फर्स्ट अप्रोच हमेशा काम करता है सो हैव गिवन यू माय सजेशन यू ऑल कैन ये फोर पार्ट्स मैंने डिवाइड कर रखा है आप कैसे भी इस फोर पार्ट्स को करो ठीक है मैंने आपको जो बताया CT6, Survival, और न्यू चैप्टर्स तो ये हो गया आपका थ्री वीक्स में फर्स्ट रिविजन कितने वीक्स हो गए फाइव वीक्स हो गए थ्री वीक्स टू कम्पलीट दिलेबस एंड सिक्स वीक्स हो गए एंड थ्री वीक्स फॉर द कंपाइलर नेक्स्ट देन आई एव गिवन यू वन वीक फॉर मॉक कंप्लीशन मॉक कितने होंगे सिक्स प्लस फॉर पेपर ए सिक्स मॉक्स फॉर पेपर बी तो सुबह मॉक वन कर लिया पेपर ए का एंड शाम को पेपर बी का मॉक वन कर लिया तो so, वैसे करके सिक्स सेवन डेज मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया एक दिन आपको खत्म करना है बिकॉज वी विल एक्चुअली चेक द मॉक एंड रिटर्न टू यू सो इट माई टेक जैसे इतने सारे लोग हैं तो जैसे आज आपने हमें मॉक दिया तो आपको थ्री टू फोर डेज में वो मॉक वापस मिलेगा करेक्ट सो so, आपको वो बफर टाइम रखना है तो इसीलिए वन वीक एग्जाम के लिए मैं दे रही हूं, which is your second revision. Second revision. अब इसमें आपको notes भी read करने हैं जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप फोर फाइव सम्स कम प्रैक्टिस कर लो बट मैंने जो क्लास में नोट्स लिखाए हैं उसको अगर आप अच्छे से फोर फाइव टाइम्स रीड कर लेते हो ट्रस्ट मी आपके कॉन्सेप्ट में कभी डाउट नहीं आएगा ठीक है मिनिमम फोर फाइव बता रही हूँ well. so so, कितने हो गए थ्री वीक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस थ्री वीक्स फर्स्ट रिविजन वन वीक्स फॉर द मॉक्स एंड अगेन थ्री वीक्स फॉर द सेकेंड रिविजन तो कितने हो गए सेवन टेन वीक्स हो गए थ्री वीक्स बचे बिफोर द एग्जाम

20 के एंड तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा नाउ पीपल फोर्टी परसेंट ऑफ दी क्यू 35 थर्टी परसेंट अभी तक तो यही ट्रेंड था आई द रीसेंट नोटिफिकेशन अगर कुछ चेंज हुआ है बट आई एम प्रिटी श्योर अभी तक तो कुछ नहीं चेंज हुआ इफ देर आर एनी चेंजेस आई विल लेट यू नो थर्टी परसेंट

सेप्टेम्बर 2020 20 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एमसीक्यू आया था बट अप्रैल 21 वन एंड सेप्टेंबर ट्वेंटी वन में देर वॉज नो एम सी क्यू गिवन सो so आप लोग को जो आई एफ ओ ए से दे रहे हो उन लोग का टाइपिंग शुड बी मच फास्टर

नो वेर ऐसा सोचना कि कुछ प्रूविंग नहीं आएगा कुछ थ्योरी नहीं आएगा ये सब कुछ मत सोचना एवरीथिंग यू हैव टू डू ठीक है तो ये एक चीज है इसीलिए मैं बोल रही हूँ एवरी डे वन आवर टाइपिंग डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है बिकॉज आपको स्मार्ट स्टडी करना है एट द एंड ऑफ द डे आपको एम एस वर्ड में ही टाइपिंग करना है करेक्ट यू हैव टू डू इट स्मार्टली उसके बाद वन पॉइंट फाइव आवर्स सी एस टू बी एवरी डे करो अगर एक बार छोड़ दोगे ना करना वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर छोड़ दोगे तो क्या है वो वापस आप हैबिट में नहीं आ पाओगे वाई आई एम से आर अप्योरिंग फ्रॉम आई आई यस वन वीक सी एस टू ए के वन वीक पहले आप छोड़ सकते हो क्यों क्योंकि आपके पास एडिशनल वन वीक वन एंड एंड हाफ वीक्स है फॉर पेपर बी तो यू गाइज कैन लीव इट बट ंग फ्रॉम आई एफ ओ हाँ अगर आप एग्जाम के टू टू डेज पहले टू या थ्री डेज पहले छोड़ते हो पेपर बी करना फॉर आई एफ ओ एन इट्स फाइन बट डू नॉट डू मोर देन थ्री डेज ऐसा नहीं की पेपर ए का आज एग्जाम है तो मैं वन वीक से टेन डेज से आई एम जस्ट डूइंग पेपर ए क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर बी का है ठीक है तो आपको वो, जिस दिन एग्जाम खत्म होता है यू आर नॉट इन द स्टेट टू स्टडी एनी थिंग एक्स्ट्रा यू कैन जस्ट मे बी सिट डॉन एंड रिवाइज फॉर टू थ्री आवर्स बट नॉट मोर देन दैट

दे माइट इनक्रीज जो अगर अगर वो पेन पेपर पे, पे आता तो इट माइट है तो दे माइट गिव यू एक्स्ट्रा टू मार्क्स फॉर द क्वेश्चन बट वो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ऐसा नहीं की क्वेश्चन ही नहीं आए तो क्वेश्चन डेफिनेटली वो आएगा एक बहुत बड़ा चीज जो आप लोग को ध्यान रखना है कि प्लीज यूज द सेम लैपटॉप विच यू आर यूजिंग नाउ इन योर एग्जाम आई ए आई कंडक्ट अ मॉक एग्जाम तो मेक श्योर जो लैपटॉप आप मॉक एग्जाम में यूज करो वही लैपटॉप आप अपने फाइनल एग्जाम में यूज करो डू नॉट चेंज योर पी सी डो नॉट चेंज योर लैपटॉप बिकॉज आपका वो जो अकस्टम हो जाते हो विथ टाइपिंग इन योर ऑन योर ओन लैपटॉप ठीक है सो दे आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एग्जाम विच विल टॉक अबाउट आज लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सी एस टू नॉ सी एस टू में ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट येस अकॉर्डिंग टू यू नो पास्ट पेपर्स यू कैन जस्ट सी की कुछ चैप्टर्स होते हैं जो पेपर बी में बहुत चांसेस होते हैं आने का जैसे मार्कोव मार्कोव चेन हमेशा जनरली आई एफ वो में तो एवरी टर्म आया ही आया है सो यू ऑल कैन एक्सपेक्ट कि मार्कोव इज वन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर पेपर बीज पॉइंट ऑफ व्यू मशीन लर्निंग नए चैप्टर्स एनी थिंग कैन कम सो यू ऑल डोंट हैर्स एनी चैप्टर कैन कम मार्को स्पेसिफिकली मैंने क्यों बोला बिकॉज अभी तक जितनी बार भी पेपर बी का एग्जाम हुआ है एवरी एवरी टर्म दे है

करेक्ट उसको आप लोग इंस्टॉल अभी से करके रखना सी एस टू के आर में बेसिक आर कभी कभी बहुत ज्यादा काम आ जाता है बेसिक आर मतलब फंक्शन कंस्ट्रक्शन लूपिंग तो ये मेक श्योर sure करो कि आपका बेसिक ही बहुत अच्छा है ताकि अगर सम कैसा भी आपका कॉन्सेप्ट अगर आप सम बना लोगे ठीक है तो वो चीज हमेशा आपको ध्यान रख रखना है आर में वेन यू डू द सम मेक श्योर अलग अलग स्क्रिप्ट तो जनरली थ्री टू फोर क्वेश्चन आते हैं आर प्रोग्रामिंग में सो so आप लोग मैंने ये बताया अभी क्लास में आप लोग स्टूडियो तो में वर्क करो ताकि क्या होगा की बीच एर आता है या कुछ आता है तो वो आप उसको करेक्ट करते हो फेन यू आर डन विदेक्ट दिप्ट एंड उसको रन करो एंड फिर जो कंसोल में आता है उसको कॉपी पेस्ट करो अपने वर्ड में ठीक है सो इट्स अफिशियंट वे ऑफ डूइंग नो टाइम वेस्ट बीच में आप एरर्स भी अवॉइड कर सकते हो पेस्टिंग इन योर वर्ड दिस इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट कीप सेविंग योर वर्क अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर्स तो मैंने जैसे चारों चारों पार्ट्स में डिवाइड किए आप भी जब पढ़ोगे आपको भी ऐसे ही करना है नाउ सम फ्यू टिप्स विच आई कैन गिव फॉर सी क्योंकि सिलेबस इज वेरी लेंथी ठीक है सो जनरली क्या होता है ना आई गेट दीज कि हम ना मैम हम जब ये रिवाइज कर रहे हैं ये चैप्टर तो सपोज का, ठीक है मुझे मन में ऐसा डर लग रहा है कि आई फो गॉटन एवरीथिंग इवन ऑन द एग्जाम डे सुबह कॉल करके आई फो गॉट एन एवरीथिंग आई फो एवरीथिंग ऐसा कभी नहीं होता आई गिव यू अव ठीक है आप जब आज डिसाइड करके बैठे हो कि आपको मार्कोव चेन के सम्स बनाने हैं मार्कोव जंप के सम्स बनाने हैं, लॉज डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स बनाने हैं, तो आपका दिमाग खाली उसी डिरेक्शन में वर्क करेगा ठीक है तो अगर मैंने बोला कि कमिंग फाइव डेज आई विल जस्ट प्रैक्टिस मार्कोव चेन एंड जम्प तो कमिंग फाइव डेज आपका जो दिमाग है खाली वही वर्क करेगा अब इस में वो आपसे पूछ रहे हैं। and आप बना रहे हो का 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 या chain कसम, बीच में अगर वो आपसे पूछेगा, आप एक बारी में नहीं रिकलेक्ट कर पाओगे इट्स वेरी कॉमन ह्यूमन बिहेवियर कि आप नहीं कर पाओगे तो इसका ये मतलब नहीं है फॉरगॉटन व्हाट आई सजेस्ट जब आप कुछ पढ़ रहे हो

आप मार्क ऑफ चेन या जंप जो भी सम कर रहे हो उस पर भी नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे सो यू आर लूजिंग आउट फ्रॉम बोथ प्लेसेस सिमिलरली फॉर पेपर बी डोंट डू हाँ अगर आप ये ए करना चाहते हो यू नो कि सुबह आप पेपर ए कर रहे हो मार्क ऑफ चेन का या जम्प का तो पेपर बी आप कर रहे हो मे बी सी टी सिक्स का दिस यू कैन डू बट पेपर ए जब कर रहे हो प्रैक्टिस या रिवाइज तो खाली एक ही चैप्टर का एक बार में करो वेन यू सिट डाउन फॉर एग्जाम बिफोर सिटिंग फॉर पास पेपर रिवाइज योर नोट्स एक बार अगर आपका नोट्स रिवाइज है ना पूरा पूरा कॉपी अगर आप रिवाइज कर लोगे तो अपने आप सब कुछ रिकलेक्ट हो जाएगा एक पॉइंट पे एक ही चीज करना है एंड प्लान योर वीक तो मैंने आप लोग को वीक वाइज बता दिया ठीक है दैट इज व्हाट आई कैन डू अब आपको उसको लेके एवरी वीक प्लान करना है सो दैट यू मीट दैट टारगेट सो दैट यू मीट दैट टारगेट ऑफ द सिलेबस इन टू वीक्स और थ्री वीक्स रिविजन ऑफ थ्री वीक्स तो वो आप मीट करना है आपको तो आपको अपने डेज प्लान करने हैं खुद से तो वीक के स्टार्टिंग में पूरा वीक कैसा करना है वो प्लान कर लो कुछ ओवर प्लान मत करना अंडर प्लान कर सकते हो बट डो नॉट ओवर प्लान दिस इज वन थिंग विच आई विल सजेस्ट कोई भी नए चैप्टर को मत लेना बिफोर एग्जाम्स फॉर वन वीक या टू वीक्स जो भी नया कुछ करना है अभी करो थ्री वीक्स टू वीक्स पहले एग्जाम के कुछ नया टॉपिक सीखना इज अ बैड आइडिया तो वो चीज नहीं करना है हमें करेक्ट मेक श्योर यू फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी आपके फ्रेंड से बात हुआ आपके फ्रेंड ने कोई और स्ट्रेटेजी बताया कि मैं ना ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ उनको सुन के डू नॉट गेट टेंस्ड कि अब मेरा क्या होगा मैंने तो शायद अंडर प्लान किया है ये तो ज्यादा कर रही है इसने ज्यादा सम्स कर लिए ये ज्यादा प्रैक्टिस करिए डोंग जो आपको सही लगता है यू ऑल नो नाउ कि आपके लिए क्या सही है आप अगर सी एस टू दे रहे हो तो आपने होपफुली सीएम वन या सी एस टू में से एक एग्जाम कभी ना कभी दिया ही है तो आप लोग को आइडिया है उस चीज का तो आपको मालूम है हाउ यू हैव टू डू द सम आपको किसी और का नहीं सुनना ठीक है उनका स्ट्रैटेजी उनको सूट हो रहा है आपको भले ही सूट नहीं हो वो चीज राइट सो मेक श्योर यू डू नॉट कंपेयर विथ योर फ्रेंड्स मेक श्योर जब आप कोई एक चैप्टर कर रहे हो तो आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो ऐसा नहीं कि आपके माइंड में कोई और चैप्टर चल रहा है एंड आप कर कुछ और रहे हो इट विल नेवर बी अ सक्सेसफुल थिंग विच यू कैन डू एक ही चीज एक ही बार में करना है करेक्ट अगर सुबह आप पेपर ए कर रहे हो तो उसी सब्जेक्ट जो उसी चैप्टर का पेपर बी करो दैट इज अ प्रेफर्ड वे ऑफ डूइंग इट ताकि आपका एक एक सेक्शन होते जाए सीटी टी फोर का मार्क ऑफ पूरा हो गया स्टोकास्टिक फिर survival, फिर CT6, और फिर सर्वाइवल्स सीटी और न्यू चैप्टर्स तो दिस शुड बी आई थिंक द एंटायर वे ऑफ डूइंग इट एंड रिविजन कैसे स्टार्ट करना है जनरली आई स्टार्ट विथ ईजी चैप्टर तो सी टी सिक्स पूरा करके जल्दी जल्दी खत्म कर दिया थ्री टू फोर डेज में फिर सर्वाइवल फिर सुस्टिक और फिर न्यू चैप्टर्स सो दिस इज व्हाट आई डू अब न्यू चैप्टर्स में अगेन इजी बस थोड़ा बड़ा लेंथ वाइज इट्स एंड लिटिल डिफिकल्ट मैं अगर कंपेयर करू अदर थ्री न्यू चैप्टर्स तो वो थोड़ा आपका टेक्निकल भी चला जाता है तो उसमें भले आपको यू नो you take one one and a half days to read the material you know and back questions material ke questions also aap log ko assignments hai, which is x1 x2 x3 that is included in the revision time करेक्ट दिस इज व्हाट आई हैवेस्टेडर ऑफ एट वीक्सर एट प्लस इन फैक्ट फॉर आई आई क्योंकि बायर सेल्फ यू कैन सिट डॉन एंड प्लान की आप लोगों को दिस इज वट आई हैव गि यू अर सजेशन योर थिंग कैन बी अटल बिट डिट राइट ऑल्सो ऑल द चैप्टर्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट याद रखना यू टेन समले आप कम बनाओ बट कॉन्सेप्ट अच्छे से रखना कॉन्सेप्ट कैसे अच्छे से रखोगे मेरे कॉपी के नोट्स को अच्छे से पढ़ना है एंड मटेरियल को अच्छे से रीड करना है स्पेशली फॉर द न्यू चैप्टर्स एंड ओल्ड चैप्टर्स एक बार अगर आपने पढ़ लिया है दोबारा ठीक है आप मत पढ़ो बट हर चैप्टर के पीछे देर इज अ समरी हर चैप्टर के पीछे एक पेज दो पेज का समरी होता है मेक श्योर sure आप वो गो थ्रू कर लो एटलीस्ट एक या दो बार और इट फॉर द ओल्ड चैप्टर्स न्यू चैप्टर्स मटेरियल डेफिनेटली यू हैव टू रीड सो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सी एस टू कैसे आपको प्लान आउट करना है डू नॉट गेट स्टेस आई नो सिलेबस इज वेरी ह्यूज एंड सब टॉपिक्स अनरिलेटेड है बट एट एंड आपको सब कुछ करना है एंड एग्जाम में बैठना है ट्रस्ट मी सी एस टू अगर आप एक बार प्लस टू मोर रिविजन्स अगर आप कर लेते हो प्लस टू मोर रिविजन अगर आप कर लेते हो देन यू आर एट अ वेरी 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 गुड प्लेस एंड यू विल क्लियर योर एग्जाम्स ऑल राइट सो ऑल द बेस्ट आई विल आई ल कंडक्ट एन मोर सेशन इफ पॉसिबल अभी मैंने क्यों लिया ताकि आप लोग के पास टू मंथ्स है और थ्री मंथस है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान अभी से कर पाओ पूरी चीजों को ठीक है डोंट स्ट्रेस पीपल हु टू पेपर्स प्लान अकॉर्डिंगली सी एस टू में बी आप सिक्स आवर्स कर लो एवरी डे इफ यू आर अ स्टूडेंट डेफिनेटली यू कैन टेक आउट सिक्स टू सेवन आवर्स एंड एक्स्ट्रा नेक्स्ट फॉर योर अदर पेपर विच आर अप्योरिंग ठीक है इफ यू आर अ स्टूडेंट इफ यू आर वर्किंग देन आई थिंक यू माइड हैव ऑलरेडी प्लांड योर थिंग इफ नॉट मैंने जो शेड्यूल बताया है जिस उसको ट्राई करो मैचअप करने का दैट इज मोर देन अनाफ राइट ओके सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना ही यू ऑल कैन आस्क रिलेटेड टू यू नो एग्जाम स्ट्रक्चर या एग्जाम कुछ करना है एंड वी विल हैव मोर डिस्कशंस मोर सो नो प्रॉब्लम इन दैट मैंने एक आप लोग को ब्रीफ आइडिया दिया कैसे करना है ऑल चैप्टर्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मेक श्योर आप सबको कवर करो एंड माई नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ऑल राइट एनी थिंग यू ऑल वॉन्ट टू सेनी वन नो सो so, <coughs> हाँ मैं एक मैम कभी कभी ऐसे होते हैं कि जैसे अगर फोकस कंपाइलर पे है तो सी एस टू का ए पार्ट का लाइक ऐसा नहीं होता कि बी पार्ट पे एकदम से शिफ्ट हो जाए अगर कंपाइलर कर रहे हैं तो मेरा फोकस रहता है कि मैं पहले कंपाइलर कर लूं एंड देन आर प्रोग्रामिंग उठाऊं सो so, नहीं नहीं दो तीन दैट्स नॉट That's not a good thing. मतलब तुम बोल रहे हो कि एक दो दिन भले ही पेपर ए कर लिया फिर एक दिन पेपर बी कर लिया ये अभी तक के लिए ठीक है बट अब लास्ट के लिए नहीं ठीक है अभी तक के लिए ठीक है सिलेबस कंप्लीशन तक ठीक है जब तक तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है टू वीक्स थ्री वीक्स में तब तक के लिए इट्स फाइन बट उसके बाद जब रिविजन स्टार्ट होगा तब के लिए इट्स नॉट गुड सो सिलेबस कंप्लीशन तक तुम कर सकते हो वैसे कि दो दिन चलो कंटिन्यूअस कंपाइलर करके खत्म किया फिर एक दिन पूरा पेपर बी लेके बैठा पूरा पेपर बी कर लिया तो दैट यू कैन डू टिल यू कंप्लीट योर सिलेबस इन कमिंग टू वीक्स एंड कमिंग थ्री वीक्स बट उसके बाद वेन द रिविजन मॉक पेपर्स पास पेपर्स ये सारे जब स्टार्ट होते हैं तब आपको पूरा पेपर पेपर ए लेके करना है साथ एवरी डे एंड फॉर दोज आई फ्रॉम आई आई उनके लिए मैं खाली बोल सकती हूँ कि एग्जाम के वन वीक पहले पेपर ए के आप छोड़ सकते हो पेपर बी करना एंड क्योंकि आपके पास वन, वी, वन वीक वन वीक एक्स्ट्रा है ओनली फॉर आई आई स्टूडेंट्स फॉर आई एफ ओ पूरा एंड तक आपको पेपर ए पेपर भी दोनों मैनेज करना है एवरी डे पेपर बी को क्या है टू आवर्स निकालो उसके लिए फोर आवर्स निकालो पेपर ए के लिए और वन आवर निकालो टाइपिंग के लिए वो जो आप टाइपिंग कर रहे हो वो पेपर ए का ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी आपका पेपर ए ही प्रैक्टिस हो रहा है सो दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी अभी के लिए सिलेबस कंप्लीशन के लिए यू कैन जस्ट फोकस ऑन मे बी एक दिन पूरा पेपर ए कर लिया पेपर भी एक दिन कर लिया वैसे यू कैन डू सिलेबस कंप्लीशन तक आफ्टर दैट नो एवरी डे दोनों चीज करने हैं इनफैक्ट तीनों करने वर्ड भी प्रैक्टिस करना है ठीक है वट एल्स पूछो नहीं, ओके सो थैंक यू सो मच आज हम इतना डिस्कस मैंने जो किया इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझे